हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो आपकी स्क्रीन पे है। तो मैं आज के वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आज बताऊंगा वीकली एनालिसिस कैसे हो सकता है, या फिर वो तो मैं रोज एक एक करके आपको वीडियो बता देता हूँ कि कल कैसे होने वाला। बट ये वीडियो में मैं आपको कल क्या हो सकता है और कल हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस, वो सब चीज़ के बारे में ये वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने ऑलरेडी मेरा एनालिसिस कर दिया है, तो आपको बता सकता हूँ कि कैसे हम लोग को ट्रेड्स लेने हैं। तो ठीक है, बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस पे बात करेंगे। तो ये रेंज है बैंक निफ्टी का, बहुत ही अच्छा रेंज है। एक आपको टिप पहले दे देता हूँ कि मार्केट में जब भी सितंबर के मंथ में ना मार्केट बेरिश रहता है, तो इस बार बेयर्स अलाउ करेंगे, बुल्स एक्सेप्ट करेंगे, वो हम लोग को बाद में देखना है। लेकिन इस बार हम लोग को देखना है कि मार्केट में कैसा मूवमेंट आ सकता है। डेली एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ये रेंज में रह सकता है, इधर से मार्केट ये रिवर्स होके ये ऑल टाइम हाई को मार्केट अचीव कर सकता है। लेकिन यहाँ से क्या मार्केट एक सडन फॉल दे सकता है यहाँ तक, जो अराउंड मेरे हिसाब से 1500 पॉइंट्स है। तो मार्केट एनालिसिस के हिसाब से 1500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी फॉर अ मंथ, मैं आज कल का एनालिसिस नहीं बोल रहा हूँ, फॉर अ मंथ का बोल रहा हूँ। तो कल क्या होएगा मैं वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको बता दूंगा। तो क्या ऐसे पॉसिबल है? लेकिन ये आपको पहले ही व्यू बता देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो सितंबर को रिलेट करते हैं, क्योंकि मार्केट ये ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। तो मार्केट कंसोलिडेट करके ये सपोर्ट लेके यहाँ से यहाँ पे जाएगा ऑल टाइम हाई पे, और ऑल टाइम हाई से मार्केट यहाँ तक गिर सकता है। और कितना गिर सकता है उसका मैक्सिमम टारगेट ये 34,900, मतलब 35,000। और यहाँ पे जो 34,400 का ये जो लेवल है वो अच्छा सपोर्ट हो सकता है मार्केट का, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। तो ये सिर्फ डेली एनालिसिस है, तो डेली एनालिसिस पे हम लोग इतना नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है, हम लोग इंट्राडे में भी ट्रेड लेते हैं। तो क्या हो सकता है आपको बता? तो मार्केट ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था फ्राइडे को कि मार्केट बैंक निफ्टी पे, तो हम लोग एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे, तो हम लोग को काफी सारा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर सपोर्ट आ सकता है कि मार्केट ये रेंज पे आके थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो ये लेवल मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन मार्केट में ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट में 400 पॉइंट्स का कैसे हम लोग का फॉल है? तो मैंने ये वीडियो में बताया था कि मार्केट में RSI डाइवर्जेंस था, ये हाई और ये हाई टॉप पे था, और एक मार्केट ने हाई बनाया लेकिन मार्केट RSI ने नहीं बनाया, तो यहाँ से 500 पॉइंट्स का फॉल मिला। तो अभी क्या पॉसिबल है आगे, ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल सिनेरियो बता दिया। तो अभी मार्केट में क्या पॉसिबल, आते 15 मिनट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट का 15 मिनट्स का एनालिसिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट एक हेड एंड शोल्डर मेरे को दिख सकता है, बन सकता है, ये हेड एंड शोल्डर है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। और जब ये लेवल तोड़ेगा, जब ये मार्केट ये लेवल तोड़ेगा, तो मार्केट में काफी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन हम लोग को देखना है ये राइट शोल्डर बना रहा है, ये लेफ्ट और हेड बना दिया, तो राइट शोल्डर मार्केट बना रहा है नहीं बना रहा है हम लोग को देखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग को देखना है। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मार्केट में ये जो लेवल है बहुत स्ट्रांग है। अभी भी मार्केट जब एंड हो रहा था ये बेरिश कैंडल 15 मिनट्स पे, यहाँ से रेजिस्टेंस को लेवल को टच करके नीचे आया, तो ये बेरिश कैंडल है, तो मार्केट का चांसेस है नीचे जाने का ज्यादा। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है मार्केट ने, तो हम लोग को देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ से नीचे जाके फिर मार्केट इधर जाता है अराउंड इधर, फिर इधर से मार्केट नीचे आता है, ये 15 मिनट का एनालिसिस। तो यहाँ से हम लोग अच्छा सेल मिल सकता है 37,000, आप अच्छे से मार्क कर लेना ताकि आप लोग को भी वो लेवल याद रहे। तो क्योंकि ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर बन सकता है, तो हम लोग को देखना है मार्केट यहाँ से रिवर्स होके यहाँ पे बाय भी मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ पे बाय भी मिल सकता है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर मार्केट जो इधर सेल हुआ वो लॉन्ग मिल सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो 15 मिनट्स, डेली भी आपको मैंने बता दिया। फिर मैं आपको डेली का एक छोटा सा एनालिसिस बता देता हूँ। तो मार्केट डेली में तो बहुत अच्छे लेवल्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मार्केट के, मैंने ऑलरेडी ये लेवल्स मार्क किए। जब अगर मार्केट अगर ये ऑल टाइम हाई जाके, समझो मार्केट ऑल टाइम ये ऐसे रिवर्स होके ऑल टाइम हाई जाके अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो यहाँ से हम लोग को अच्छे टाइम, और ये जब लेवल तोड़ेगा, ये जो ट्रेंड लाइन मैं बता रहा हूँ, अगर ट्रेंड लाइन स्ट्रांगली तोड़ेगा, इधर एक कैंडल अगर हम लोग को दिख गया,
ये ट्रैवल सीधा रिटेस्ट करके ये यहाँ तक आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के अच्छे लेवल से, अब ये पैटर्न को फॉलो करना, ध्यान से देखना, ये लेवल्स भी मार्क कर देना, मैंने 15 मिनट्स पे भी वो लेवल्स अलग बनाए हैं, ठीक है। ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रहा है, ऑरेंज लाइन वो हो गया ऑलरेडी मार्केट में, तो अब उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना, बाकी जो लेवल्स है उसको इम्पोर्टेंस देना। तो ये मार्केट और एक हाई बना सकता है, ये तो मैंने आपको नीचे के लेवल बता दिए, अभी आगे के लेवल्स, अगर ये मार्केट ये रेंज तोड़ता है, ये जो लाइन है वो पूरा अगर तोड़ता है, तो मार्केट के दो, ये मैंने आपको बताया ये लेवल है, फिर उसके बाद सीधा ये लेवल जिसका 37,300 टारगेट। तो जब भी मार्केट अगर ये लेवल के ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट तो अपना ये रहेगा, ताकि हम लोगों को राइट शोल्डर भी मिल जाएगा और अपने को 37,000 का भी टारगेट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सेल ले सकते हैं विद दिस स्टॉप पर, अगर ये मार्केट इसके भी ऊपर चला गया तो मार्केट ये लेवल ले लेगा जो 37,300 है। ईजी है, अब अच्छे से वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। सिर्फ ये शोल्डर याद रखना और ये लेवल 37,000 का ये लेवल याद रखना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि नीचे के लेवल्स क्या रहेंगे, जो मैंने निकाल के रखा है, जो 36,200, मतलब अगर मार्केट 500 का लेवल तोड़ता है, अगर ये मार्केट ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, अगर समझो इन केस अगर मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन तोड़ा, तो मार्केट फर्स्ट तो एकदम क्विक ट्रेड आपको मिल सकता है, एकदम इजी है, आपको कुछ इसमें देखना ही है, एकदम क्विक ट्रेड। अगर मार्केट यहाँ से ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो ये रिट्रेस होके, रिट्रेस होके मार्केट ये टारगेट तो पहले ले ही लेगा, फिर हम लोग को देखना है कि ये राइट शोल्डर पे कैसे जाएगा, तो ये अच्छा बाय हो ही सकता है, तो आपको मैंने जैसे बता दिया। लेकिन मार्केट अगर ये लेवल तोड़ता है तो सीधा हम लोग को अच्छा पॉइंट्स मिल सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक है 300 पॉइंट्स का टारगेट। तो ठीक है, मार्केट बेरिश कैसे हो सकता है, किस लेवल से हो सकता है, तो मैं आपको लेवल्स बता दिया हूँ। और उसके बाद तो वो डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख रहे हैं, तो अगर ये लेवल्स अचीव हो जाएंगे, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से पहले सपोर्ट लेगा ही, फिर ऊपर ही जाएगा, ये फिर अलग दिन के एनालिसिस होता है। तो कल के लिए मैं आपको ये रेंज जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। तो मार्केट ये रेक्टेंगल में ट्रैवल कर रहा है, ये रेक्टेंगल में ट्रैवल कर रहा है, तो रेक्टेंगल हर किसी को मालूम है, मार्केट इसमें से सिर्फ रेंज में रहता है, तो वो रेंज में कैसे रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके रेंज में रहता है, तो ये लेवल्स तोड़ने के बाद ये टारगेट्स मिल सकते हैं और ऊपर के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर आपने वो लेवल्स मार्क नहीं किए रहेंगे तो आपके लिए मैं लेवल्स का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और फिर अपने ट्रेडिंग व्यू पे भी डाल सकते हो, अपने स्क्रीन पे भी सेम स्क्रीनशॉट डाल सकते हो लेवल्स के साथ, वही एग्जैक्ट लेवल से मार्केट गिरेगा, या तो मैंने जो लेवल बताया, सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। ये लेवल हर किसी को मालूम रहता है, लेकिन वो ट्रेड्स बराबर नहीं ले पाते, क्योंकि उन लोग थोड़ा डर जाते हैं पैसे को, साइकोलॉजी रहता है वो मार्केट का। तो वो लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है, आपको किधर भी एंट्री नहीं लेने का, आपको सिर्फ मैं जिधर बता रहा हूँ उधर ही एंट्री लेना है, ठीक है। आज के मार्केट एनालिसिस के लिए इतना ही, और गोल्ड का जो एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए इतना ही, लेकिन अब जो गोल्ड का एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गोल्ड पे NFP का न्यूज था, हर किसी को मालूम है, तो पूरा हफ्ता वो कंसोलिडेट किया था, और कंसोलिडेट करने के बाद न्यूज के वजह से वो इतना ऊपर चला गया। अगर आप रिट्रेसमेंट देखो तो 36 का एक अच्छा लेवल है, 1836। मैं गोल्ड पे ही ट्रेड करता हूँ तो मैं गोल्ड ही बता रहा हूँ, तो 36 का लेवल है, तो मार्केट 36 तो जा ही सकते हैं, लेकिन आपको सेल कहाँ पे लेने का, अगर आप H4 पे जाओगे तो आपको सेल कहाँ पे लेने का, तो यहाँ से तो मार्केट हम लोग को देखना है कि H4 पे, देखो H4 पे उसने तीन टॉप बनाए, ट्रिपल टॉप मतलब मार्केट गिरता ही है, ये जो टॉप है एक करेक्ट है, ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप, तो मार्केट में तीन टॉप हो सकते हैं, अगर हम लोग डेली एनालिसिस पे देखें तो मार्केट में तीन टॉप हो सकते हैं, जो मेरे को दिखाई दे रहा है। तो तीन टॉप की वजह से मार्केट एक बेरिश समझ में आ जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से और सेलिंग प्रेशर कहाँ पे है, जो बहुत ही एकदम अच्छा लेवल है वो 43 पे है। तो अगर ये डेली पे 43 लेवल है तो H1 पे मार्केट कैसे गिरे, तो आपको बता दो H1 पे मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा, हम लोग को देखना है कि मार्केट में और एक डबल टॉप कब बनता है, जब मार्केट में डबल टॉप बना दिया तो मार्केट एक अच्छा फॉल दे सकता है, कहाँ तक, कहाँ तक 1807,
जो कंसोलिडेट का एकदम अच्छा जोन है, तो आपको वो भी बता देता हूँ। पहले तो यहाँ से सपोर्ट लेगा अच्छा खासा, तो इतना जो पीरियड है मतलब 20 33 से डबल टॉप बनाएगा, तो 1807 का और एक सेल मिल सकता है। मतलब यहाँ पे यहाँ से 25 पॉइंट्स। लेकिन सिर्फ ये ट्रैवल कैसे करना चाहिए, ये टॉप बना दिया फिर ये कंसोलिडेट होगा, फिर और एक टॉप बनाना चाहिए, फिर अब टॉप बनाने के बाद यहाँ से सेल आना चाहिए। तो ये जो लेवल है वो लेवल पहले तोड़ना चाहिए, ये जो लेवल है पहले तोड़ना चाहिए 1920 के अराउंड। फिर ये तोड़ने के बाद ये रिट्रेस करके फिर इधर से इधर जाएगा 1806। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो आपको समझा बैंक निफ्टी का क्लियर है? फिफ्थ में एवरी एनालिसिस आपको कर दिया हो, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेवल्स आप लेवल्स मार्क कर सकते हो। एक घंटे का टाइम फ्रेम मैंने बताया, RSI डाइवर्जन है तो मार्केट का एक 20 36 200 का 1 घंटे के है एनालिसिस पे है। ये टाइम फ्रेम कैसे यूज कर सकते हैं आप, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आप 15 मिनट पे एनालिसिस करते हो तो आपको रिजल्ट 1 घंटे में आएगा, 1 घंटे पे करते हो तो 4 घंटे में रिजल्ट आएगा, अगर आप डेली पे रखते हो तो 4 दिन में आएगा। तो आप कैसे ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट्स का एनालिसिस करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप डेली एनालिसिस करते हो 4 दिन में एक ट्रेड ऐसा, तो आपके ऊपर ही रहेगा कि कैसे आपको फॉलो करना है। ओके okay? तो आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो के लिए इतना ही, ये वीकली पूरा रहेगा, मैं एवरीडे व्लॉग्स बनाता हूँ अबाउट बैंक निफ्टी। तो आप बैंक निफ्टी का मैंने आपको टाइम फ्रेम का हिसाब बता दिया कि ×4 करने का, 15 मिनट्स ×4, तो उतने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 1 घंटा ×4 मतलब 4 घंटे में रिजल्ट मिलेगा, 1 दिन ×4 मतलब 4 दिन में आपको एनालिसिस का वीडियो रिजल्ट मिल जाएगा। तो ठीक है, आज का एकदम वीडियो क्लियर था, आपको एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल्स दे दिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो स्ट्रिक्टली 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉलो करके, वो जो जैसे मैंने लॉजिकल प्लान बताया वैसे उस हिसाब से आप फॉलो करके ट्रेड लेना, आपको डेफिनेट प्रॉफिट ही होगा। सिर्फ आप दिमाग से थोड़ा खेलना, अगर कैंडल 15 मिनट्स का क्लोजिंग ऊपर है तो वो लेवल टूट गया, अगर वो क्लोजिंग 15 मिनट्स का ऊपर नहीं है तो वो लेवल नहीं टूटा है, ये थोड़ा माइंडसेट बना के ही ट्रेड लेना। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अब ये भी बता देता हूँ कि 15 मिनट जो सेप्टेम्बर मंथ रहता है वो बेरिश रहता है एवरी ईयर, ये साइकोलॉजी है, ये रेप्यूटेशन है मार्केट का कि सितंबर मंथ में बेरिश रहता है, लेकिन जो मार्केट का एकदम जो लेवल तेजी है मार्केट में इस बार, हम लोग को देखना है कि मार्केट वही रेप्यूटेशन उसका फॉलो करता है कि नहीं। हम लोग के एनालिसिस में अगर आप डेली में देखो तो चांसेस है कि अगर अगर मार्केट यहाँ से इधर जाके फिर वो पूरा बेरिश ही हो सकता है, तो ये रेप्यूटेशन फॉलो हो सकता है, लेकिन वो लेवल्स पे सपोर्ट ले लेके नीचे जाएगा, ऐसा नहीं कि एक कैंडल में नीचे जाएगा। तो ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है डेली के ऊपर, क्योंकि ये ऊपर मार्केट ये लेवल तोड़ दिया है करके मार्केट ने थोड़ा हाई भी बनाया, तो मार्केट का चांसेस है कि ऑल टाइम हाई जाके, लोगों का जो मेंटेलिटी है बेरिश है बेरिश है, वो ऑल टाइम हाई जाएगा तो लोगों को क्या लगेगा कि और ऊपर जाएगा, लेकिन ऑल टाइम हाई से जो नीचे आ सकता है वो साइकोलॉजी पे हम लोग को वर्क करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और लोगों को थोड़ा शेयर करना ताकि लोग समझे, ये चैनल भी ग्रो हो जाएगा, लोगों को लेवल्स के बारे में समझ में आए, लॉजिक के बारे में समझ में आए। ठीक है, तो थैंक यू, शब्बा।